पर मैंने बहुत मजा आया क्योंकि इन्होंने तो ऑमलेट पाड़ा है ना, पाड़े है इन्होंने दो, उससे ये 400 ग्राम कम लगे। जोक ऑफ द डे। सब बहुत सुंदर लग रहे हैं इंक्लूडिंग मी। कहीं सोचो कि मैं नहीं अच्छी लग रही। आज का दिन अच्छा होने वाला है। थाली में था सांबर और पोहा। अभी मैंने कुछ ज़्यादा लिया नहीं है क्योंकि ये ऑमलेट ये भी नहीं अच्छा है। कौन से का ही है? ऑमलेट बनवा लेना। तो गाइस ब्रेकफास्ट कर लिया है। मुझे एक्चुअली मज़ा नहीं आया ब्रेकफास्ट में क्योंकि जब तक कुछ रोटी या पराठा नहीं, रोटी तो नहीं, पराठा या पूरी नहीं होती ना, मुझको मज़ा नहीं आता, तो वो था नहीं। पर मैंने बहुत मज़ा आया क्योंकि इन्होंने तो ऑमलेट पाड़ा है ना, पाड़े हैं इन्होंने दो से तीन, खूब खाया है इन्होंने, भर भर के फ्रेश वाटरमेलन का जूस तो मैंने कॉफ़ी नहीं पीना और फ्रूट्स पूरा उधर से लेकर। तो इन्होंने मतलब ऑमलेट खाया है और मैंने पोहा वगैरह ही खाया है। तो अभी ब्रश हम लोग लाए नहीं थे तो आज थोड़ी सी बैड मैनर्स हो गई है, बिना ब्रश के हमने ब्रेकफास्ट कर लिया उल्ला उल्ला कर। तो अब हम लेने जा रहे हैं ब्रश थोड़ा सा। छोटू सा आधा टूटा हुआ है नारियल का। गाइस देखो मेरे हाथों में से पानी निकल रहा है। गाइस मैंने इधर टच किया ना तो मेरे हाथों में से पानी पागल है क्या बदतमीज। चलो यहीं से चलने के मैं जाऊं। अच्छा गाइस अभी आया हूं स्विमिंग करने के लिए। तो यहाँ पे रूफ टॉप पर है छाया में हवा है, ठंडी हवा में तो ठंडापन है, वो लू वाला नहीं है ना। और वैसे तो बहुत ज़्यादा धूप है, ढेर सारा सन क्या सन स्क्रीन लगा लिया है, फिर भी देखो टैनिंग का क्या होता है, ध्रुव निकलने का नाम नहीं ले रहे। ध्रुव आजा बेटा नीचे चलना है, तैयार होने में भी टाइम लगेगा। तैयार होने में टाइम लगेगा? नहीं नहीं लगेगा, दिमाग खराब। और फाइनली दीदी भी स्विमिंग पूल में चली गई हैं, मेरे को मना कर रही थी नहीं जाना नहीं जाना, बट मैंने इनको जिद कर करके ही आई गई। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और फिर पानी में से निकलने के बाद ऐसा लग रहा था भाई कितने हल्के में जा रहे हैं। मज़ा आता है, मैंने एक्सरसाइज की थोड़ी थोड़ी सी और अभी मेरे को लग रही बहुत फोकस से ये 400 ग्राम कम लगे। जोक ऑफ द डे। वाटर एक्सरसाइज करके जो कौन डे है इसका। चलो की रील बनाई जाएगा। अब आप कल बैठे देखिए। अरे चप्पल भी लेके तुझे जाना याद ही नहीं रहा ध्रुव। चलो थैंक यू। तो अभी निकल गए हैं आउटिंग के लिए, अब देखते हैं कहाँ जाते हैं क्योंकि हमको कुछ नहीं पता है। जहाँ सैंडी लेके जाएगा वहीं जाएंगे और सब सोच रहे जल्दी जल्दी से सुंदर सुंदर सी फोटो खींचा जाए। तो सब बहुत सुंदर लग रहे हैं इंक्लूडिंग मी। कहीं सोचो कि मैं नहीं अच्छी लग रही। हाँ तो अभी हम आए हैं ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट है अ ड्रॉप ऑफ इल्यूजन। कुछ तो है ही। हुँ?
डिस्को में जाना है हमको। और दिखाती हूँ मैं यहाँ से आपको व्यू, बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा। नहीं अभी नहीं, वाओ नेक्स्ट डे। तो गाइस हम अगेन हम रेडी हुए हैं और टाइम हो रहा है 9 और सेकंड डे है हमारा गोवा में। तो अभी हम फिर से डिनर वगैरह करने के लिए जा रहे हैं और अभी हम फिर से चेंज करके आए हैं, तो सब बहुत सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट लग रहे हैं। तो अब जहाँ पे हम पहुँचते हैं ना तब मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी और फिर आप देखना हम कितनी बढ़िया जगह गए। हो सकता है कि मैं कुछ बोल ना पाऊँ बट अब हमें देख सकते हैं। तो अभी ये देखिए हमारी दीदी कितनी अच्छी लग रही हैं और ये हमारी फ्रेंड और ये हमारी कुकू तो बहुत ही अच्छी लग रही है और ये ध्रुव कुमार और मैं भी कुछ अच्छी ही लग रही हूँ वैसे तो। और अभी हम आए हैं और रोमियो लेन, ये तारे दिख रहे हैं। रास्ता देखो वो बहुत सुंदर सा ही लग रहा है, कुछ आज का दिन अच्छा होने वाला है। पर जितना हम आए उतना चढ़ना भी पड़ेगा भाई, ये सोच सोच के भी टेंशन हो रही है। तो गाइस ये आप हमारी कुछ फोटोज को एंजॉय कीजिए
और आपको व्लॉग कैसा लगा, जहाँ जहाँ हम घूमे हैं वो जगह आपको कैसी लगी प्लीज़ ये भी कमेंट में बताना, और मैं किस ड्रेस में ज़्यादा अच्छी लग रही थी प्लीज़ वो भी बताना। तो हाँ थोड़ी सी लिटिल बिट तो फैटी हूँ, बट मैं अपने आप को बहुत अच्छी लग रही थी और मैंने बहुत 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 इन्जॉय किया गोवा में, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ आप अपना राय देना चाहते हैं तो वो भी बताइए। और बाकी हमारी सबसे बेस्ट 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 ट्रिप रही है ये गोवा की, तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, आपने वीडियोस को कितना इन्जॉय किया वो भी बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।